गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर सो रही युवती को अगवा कर तीन अभियुक्तों ने झाड़ियों में ले जाकर गैंग रेप किया। आपको बता दें कि बुधवार की रात्रि में युवती को तीन लड़कों ने पहले अगवा किया, फिर झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया, शोर मचाने पर पीट कर घायल कर दिया। लड़कों के चंगुल से छूटने के बाद लहूलुहान स्थिति में महिला जीआरपी थाने पहुंची। युवती ने घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही एसपी जीआरपी मौके पर पहुंच गए। महिला महाराजगंज जिले की रहने वाली है, जिसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। पति से विवाद होने के बाद वह एक सप्ताह पहले घर छोड़कर गोरखपुर आई थी। रहने का कोई ठिकाना ना होने पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के आउटर और धर्मशाला बाजार पुल के बीच गुजारा कर रही थी। बुधवार की रात में 11 बजे युवती के पास तीन लड़के पहुंचे और अकेला पाकर छेड़छाड़ शुरू कर दिया। विरोध करने पर अगवा कर धर्मशाला बाजार सब्जी मंडी के रेलवे लाइन किनारे झाड़ी में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर मारने पीटने के बाद भाग गए, जिसके संबंध में एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सीओ के नेतृत्व में तीन इंस्पेक्टर को लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरा और सर्विलांस की मदद से जीआरपी और जिले की पुलिस आरोपितों के बारे में छानबीन कर रही है। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा, रात में एक महिला स्टेशन पर आई और उनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनके साथ गलत काम किया गया है, जिसके आधार पर उनको तत्काल मेडिकल हेल्प के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया और जो उनकी मौखिक सूचना थी उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियोग के अनावरण के लिए हमारी सर्विलांस टीम और सीओ साहब के नेतृत्व में तीन इंस्पेक्टर और लगाए गए हैं, जो शीघ्र घटनास्थल का घटना का अनावरण करने में हमारी टीम लगी हुई है और अनावरण किया जाएगा। अब उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो अभी मेडिकल के बाद जब वो स्वस्थ हो जाएंगी तो उनसे बयान लेकर के क्लियर किया जाएगा। अन्य पालुओं पर बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अब दो लोगों से तो बताया कि एक आदमी के साथ वो गई थी, दो और वहाँ पर थे। नहीं, कुछ नहीं बता पा रही हैं अभी। स्वस्थ हो जाएंगी तो बताएंगी। डॉक्टर ने अभी कहा कि इनसे ज़्यादा गहन पूछताछ न की जाए। ये महाराजगंज की हैं।